तो आज हम बात करेंगे एप्रैक्सिया की, ठीक है। तो एप्रैक्सिया क्या होता है कि इट इज़ द इनएबिलिटी टू परफॉर्म स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। मतलब कि जो आपका पेशेंट होगा वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो पर्पसफुल मूवमेंट है जो हमें डेली बेसिस पे करनी होती है वो द पेशेंट वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म। तो उसको कहते हैं एप्रैक्सिया, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? अब जैसे इसकी इनएबिलिटी है टू परफॉर्म स्किल्ड मूवमेंट, तो इसका रीज़न क्या होगा कि या तो भाई उसको इनकोऑर्डिनेशन है इसलिए वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम है इसलिए नहीं कर पा रहा, टोनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर है, और द पेशेंट इज़ अनकोऑपरेटिव। तो इन सारे रीजंस की वजह से एप्रैक्सिया हो सकता है। अब जो एप्रैक्सिया है वो हम ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, अ थर्ड वन इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ बकोफेशियल, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट बेसिकली इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, आइडियो मोटर एंड आइडिएशनल एप्रैक्सिया। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि आइडियो मोटर में क्या होगा कि जो पेशेंट होगा वो अपना टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेगा, वेयर एज जो आइडिएशनल वाला एप्रैक्सिया है उसके अंदर पेशेंट टास्क परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो अब भाई ये तुम याद कैसे करोगे? तो देखो, आइडियो मोटर जिसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट खुद ब खुद काम कर लेगा जब उसका मन करेगा, तो यानी कि आईडीओ, ठीक है, आई विल डू मोटर एक्टिविटी, ऐसे याद करो, ठीक है, आईडीओ, आई विल डू मोटर एक्टिविटी। तो मेरा जब मन करेगा मैं काम करूँगा, ठीक है। और आईडिएशनल के अंदर क्या हो रहा है कि उसको आइडिया ही नहीं आ रहा, ठीक है, आइडिएशनल, उसको आइडिया ही नहीं है मुझे क्या काम करना है, तो ये हो गया आइडिएशनल। अब जब उसको आइडिया नहीं है तो वो काम भी कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो ये है इन दोनों के बीच का ग्रॉस डिफरेंस। अब आइडियो मोटर के अंदर लेजन कहाँ हो सकता है? फ्रंटल या पेराइटल लोब में। बट आइडियो मोटर के अंदर लेजन कहाँ हो सकता है? फ्रंटल और पेराइटल लोब में। और आइडिएशनल के अंदर कहाँ होगा? पेराइटल लोब में। अब जो आइडियो मोटर में क्या होता है ना, बेसिकली कि आप पेशेंट को अगर कहोगे कि तुम भाई वो दूसरे साइड पे एक कॉफ़ी का ग्लास है तुम वो उठा लो, तुम उसको ऑर्डर दोगे, वो नहीं सुनेगा, ठीक है। बट अगर तुम उसका मन करेगा उसको जाके पीनी है कॉफ़ी, तो वो जाएगा, उठाएगा, पी लेगा और वहाँ पे रख भी देगा, पर तुम्हारे कहने पे नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि आइडिया ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट का जो आइडिया आता है उसको पेशेंट को, वो सेंटर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर मूवमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो ये होता है आइडियो मोटर एप्रैक्सिया के अंदर, ठीक है। अब इसको हम असेस कैसे करते हैं आइडियो मोटर को? तो इसके हमारे दो स्केल्स होते हैं, एक तो होता है गॉटलास एंड कालपान स्केल और एक होता है A1 स्केल। अभी जो गॉटलास और कालपान स्केल है, इस स्केल में हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक हैमर लो, एक नेल लो, और उसको कहेंगे कि आप अब इस नेल को हैमर से बैंग करके दिखाओ, ठीक है। तो जो पेशेंट होगा वो नहीं करेगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि भाई वो नहीं कर पा रहा, अब हम क्या करेंगे कि जो फिर हम उसको करके दिखाएंगे कि भाई ये रहा हैमर, ये रहा नेल, और ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। वो फिर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर वो थेरेपिस्ट के दिखाने के बाद भी अगर वो हैमर से नेल को बैंग नहीं कर पाता, तो डैट मीन्स उसको आइडियो मोटर एप्रैक्सिया है। और ये हमें किससे पता चला? थ्रू गॉटलास एंड कालपान स्केल ने हमें ये बताया, ठीक है। अभी जो A1 स्केल है ना, इसके अंदर हमारे दो स्केल्स आते हैं मेजरली, एक तो ADL का स्केल और एक न्यूरो बिहेवियरल असेसमेंट स्केल। तो इससे भी हम एप्रैक्सिया का पता लगाते हैं, आइडियो मोटर एप्रैक्सिया का। अब जो आइडिएशनल एप्रैक्सिया है ना, इसके अंदर क्या होता है ना कि पेशेंट अपनी मर्जी से भी काम नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब उसको बहुत क्लमजी सा लगता है कि जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हो गए। अब इसको हम कैसे चेक करते हैं आइडिएशनल एप्रैक्सिया को? आइडिएशनल एप्रैक्सिया को हम ऐसे चेक करते हैं कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि ये लो भाई स्टैम्प पेपर लो, इसको तुम एक एनवेलप लो, इसको फोल्ड करो, इसके ऊपर सील लगाओ, ठीक है। तो उसको हमने एक सीरीज ऑफ स्टेप्स दे दिए कि भाई पहले वो एनवेलप लेगा, फिर उसको फोल्ड करेगा, है ना। तो वो हो गया हमारा और वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर हम कहेंगे तुम टीथ को ब्रश करके दिखाओ, तो वो नहीं कर पाएगा, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, उससे होगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स आ गए, समझ रहे हो। तो उसको हम कहते हैं आइडिएशनल एप्रैक्सिया। अब जो मेन चीज़ एप्रैक्सिया में हमें याद रखनी है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो इन दोनों में ये
फर्क होता है, आइडियो मोटर में पेशेंट ऑटोमेटिकली टास्क करेगा, तुम्हारे कहने पे टास्क नहीं परफॉर्म करेगा, जब उसका मन में आएगा तब वो करेगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, इसमें ये चीज़ हो जाती है, जब मेरी मर्जी होगी तब करूँगा। आइडिएशनल के अंदर क्या होगा, अगर तुम कहोगे या उसकी मर्जी होगी ना, वो तो भी नहीं कर पाएगा। तो डैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइडियो मोटर एप्रैक्सिया एंड आइडिएशनल एप्रैक्सिया। आई होप ये आपको क्लियर है।